वेलकम फ्रेंड्स ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले लोअर डिवीजन क्लर्क जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी एंड इंग्लिश लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट जूनियर स्टेनोग्राफर स्टेनोग्राफर्स असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट। ठीक है, ये जो सारी वैकेंसीज है ये आपके आई हुई DSSB में। ठीक है, और अब संभावना बन जाती है हेल्थ इंस्पेक्टर की, सैनिटरी इंस्पेक्टर एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने की भी, क्योंकि DSSB धीरे धीरे करके सारा वैकेंसी निकाल रहा है। ठीक है, तो कभी भी जो है आपके हेल्थ इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का वैकेंसी जो है जारी हो सकता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल जो है अपन इन्हीं पोस्टों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और जैसे ही कोई नया अपडेट निकल कर आता है हेल्थ इंस्पेक्टर का, ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर या मलेरिया इंस्पेक्टर वैकेंसीज का, तो वो भी जल्दी से जल्दी जो है अपने चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और यहाँ पर जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें अपन, तो ये है आपके DSSBonline.nic.in। इस वेबसाइट पे जाकर के आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 22/12/2023 का जो है ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, और यहाँ पर जो है सारी पोस्टें जो निकली है इसके अंतर्गत वो यहाँ पर इस कॉलम में दिखाई हुई है। ठीक है, तो नीचे चलते हैं अपन। यहाँ पर ऑफरिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन की जो है 9/1/2024 है, मतलब 9 जनवरी से जो है आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लोजिंग डेट जो है इसकी वो दे रखी है यहाँ पर आपको 7/2/2024। ठीक है, ये देखिए ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये आपके पोस्ट दी हुई है। ठीक है, पोस्ट कोड सारी चीज़ दी हुई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये देखिए ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, टोटल ऑफ वैकेंसी जो है इसकी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है आपके 1672। ठीक है, जिसमें आपके कैटेगरीज वाइज जो है इन्होंने यहाँ पर वैकेंसी डिवाइड की हुई, UR OBC SC ST EWS, ठीक है, PWD एक्स सर्विस मैन और SP। ठीक है, तो सभी की जो है कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर वैकेंसी जो है डिवाइड की हुई है। ठीक है, दूसरी वैकेंसी की बात करें अपन यहाँ पर, तो वो है स्टेनोग्राफर की। ठीक है, और यहाँ पर टोटल ऑफ वैकेंसी जो है स्टेनोग्राफर की वो है आपके यहाँ पर 143, जिसमें वही जनरल OBC SC ST EWS PWD और एक सर्विस मैन एंड एस जो है ये सारी वैकेंसी यहाँ पर भी डिवाइड की हुई है। तीसरे नंबर की वैकेंसीज की बात करें हम आपसे, तो वो है आपके यहाँ लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, तो इसकी टोटल ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो वो है आपके 256। ठीक है, और ये PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, टेलीग्राम अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है आपके यहाँ पर फोर्थ नंबर की वैकेंसी जो वो है जूनियर स्टेनोग्राफर की। ठीक है, दिल्ली अर्बन सेटलर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में, ये है आपके टोटल ऑफ वैकेंसीज, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 20 वैकेंसीज है। ठीक है, और जूनियर असिस्टेंट की 5वें नंबर पर है जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, ये है आपके टोटल ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 40। ठीक है, और यहाँ पर फिर है जूनियर असिस्टेंट 7 नंबर पर भी। ठीक है, ये वैकेंसीज है आपके यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की, ये भी है आपके 30 वैकेंसीज है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी वैकेंसी जो है आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे ये PDF मिल जाएगी, वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है 8 नंबर की वैकेंसीज है वो है आपके यहाँ पर जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश की है। टोटल ऑफ वैकेंसी जो है ये तो 2 ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की है 9 नंबर पर भी। ठीक है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकेंगे ये जूनियर असिस्टेंट जो है यहाँ पर ये 28 वैकेंसीज है। ठीक है, कितना वैकेंसीज है 28। फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड का जो है 5 वैकेंसीज है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लोअर डिवीजन क्लर्क का जो है ये आपके 28 वैकेंसीज है। जूनियर असिस्टेंट का जो है MAIDS में जो है वो 10 वैकेंसीज है, और यहाँ पर जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी का जो है 2 वैकेंसीज है। फिर नीचे चलते हैं, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की जो है वैकेंसीज वो है आपके यहाँ पर 104 वैकेंसी। टोटल कितनी वैकेंसीज है कुल मिलाकर सारी वैकेंसी की बात करें ग्रांड टोटल, तो वो हो जाती है आपके यहाँ पर कितनी, ये देखिएगा 2354 वैकेंसी। ठीक है, तो इसके लिए जो है जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह जो है आप चेक करेंगे। ठीक है, तो वो जो है पूरा इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, उसके लिए आप करना क्या है आपको, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। ठीक है, आपको डायरेक्ट वहाँ पर भी PDF जो है शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ से जो है आप ये PDF देख करके क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो है देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस कॉलम में दी हुई है। ठीक है, और एसेंशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, पे स्किल यहाँ पर, एज लिमिट यहाँ पर, सब दी हुई है प्रत्येक पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं, और जिसमें आपके पास क्वालिफिकेशन है उस पोस्ट पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देखिएगा पोस्ट का नाम लिखा हुआ है लोअर डिवीजन क्लर्क टाइपिस्ट। ठीक है, और इसकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये देखिएगा यहाँ पे, एसेंशन क्वालिफिकेशन में 12वीं पास मांगा है, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसमें टाइपिंग भी मांगी है, 35 वर्ड पर मिनट जो है इसमें आपसे इंग्लिश में जो है स्पीड मांगी गई है। ठीक है, एक्सपीरियंस वगैरह जो है नील दिया हुआ है, पे स्केल जो है इसका 9,93,200 रुपये, ग्रुप सी की वैकेंसी एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स मांगी गई है। तो सभी पोस्टों का जो है इन्होंने इसी प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे।
ठीक है। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।